हमारे यहाँ लैंग्वेज में उसे लावा पक्षी भी बोला जाता। और दो है मेरे पास, एक तो उस साइट लगा ही लिया था कल का। ये फ्रेंड देखो, चींटियों का घर कुछ ऐसा है जैसा देख सकते हो। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, तो स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। तो वैसे फ्रेंड, आज का वीडियो होने वाला है, आज हम जाएंगे प्योल बर्ड पढ़ने के लिए। और वो पक्षी ऐसा है, हमारे यहाँ लैंग्वेज में उसे लावा पक्षी भी बोला जाता है, तो वही पढ़ने जाने वाला है। तो चलते हैं आगे की ओर, उधर से चलते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो वैसे फ्रेंड, ये जंगल में जाना है मुझे, तो चलते हैं। एंड ऐसे कुछ जंगल में रहते हैं प्योल बर्ड। वैसे फ्रेंड, हमने काफी सालों से, 2-3 सालों से कुछ ऐसे पक्षी बक्षी कुछ पाड़े नहीं, तो इस साल ट्राई करके देखते हैं कुछ फंसता है कि नहीं। चलते हैं, यहाँ पर तो बहुत सारा कचरा है, उधर से ऐसे होके चलना पड़ेगा। जैसा जंगल है, और अंदर जाके मानता हूँ। और दो है मेरे पास, एक तो उस साइट लगा ही लिया था कल का, तो वो भी दिखाता हूँ। कल वाला उधर लगाएगी, तो वो दो पहले मानते हैं, बाद में देखते हैं। तो पहले तो लकड़ियाँ ढूंढना पड़ेगा 4। तो ये वाले सही नहीं रहेंगे। ये वाला फ्रेंड सही रहेगा, ये तो वैसे टूट नहीं रहा है। ये तोड़ते हैं और यहाँ पर लगाते हैं। कुछ ऐसा बना लिया है, एंड ये तार से कुछ ऐसा बनाया, कुछ ऐसा देख सकते हो। एंड यहाँ से थोड़ा साफ करता हूँ पैर से, क्योंकि यहाँ पर बर्ड आसानी से
उधर रास्ता जैसा देख के आ जाए। सो फ्रेंड, कल वाला यहाँ पर है, ये देखो, और पास कुछ इसका सा निकल गया है, तो सही करते हैं। सो फ्रेंड, इसका पास सही कर लिया है और बढ़ते हैं घर की ओर। तो जैसे तो उधर से ही जाना पड़ेगा। ये फ्रेंड देखो, चींटियों का घर कुछ ऐसा है, ये देखो। सो फ्रेंड, मैं वहां से आ गया एंड दोपहर को या शाम को जाके देखना पड़ेगा फंसा है कि नहीं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। और आगे फ्रेंड, फल वाला शायद वीडियो आएगा। फल अभी तो ग्रोथ नहीं हुए, अब शायद थोड़े थोड़े छोटे छोटे ग्रोथ होना शुरू हो गया है। अगली वीडियो फल के बारे में ही आएगा, कौन सा फल होगा और कौन सा नहीं। तो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।